वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन ट्री नर्सरी। आज हम ये जो बेर के पौधा दिखा रहा हूँ, ये कश्मीरी रेड बेर, जो नया वैरायटी, देखने में जैसे एप्पल लुक्स होते हैं, तो इसका ये पौधा है ढाई महीने का है, ढाई तीन महीने का है। तो इसका जो अभी पौधे का जो हाइट देख रहा है आप, लगभग एक से डेढ़ फीट एवरेज हाइट हो गया है, डेढ़ फीट एवरेज हाइट हो गया है। तो इसका जो अभी ये पौधा छोटा है और बिल्कुल हेल्थी हो गया है। तो आप घर से देखिए, ये जो पत्ता इसका जो देख रहा है आप, पूरा साफ है, बिल्कुल फ्रेश है। तो हमारा ये नर्सरी ग्रीन ट्री नर्सरी में ये पौधा अभी बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो क्या है इसका कलर देखने में, वो थोड़ा बहुत जैसे रेड टाइप का भी होते हैं और येलो टाइप होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, कलर में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पौधे आप देख रहा है, ये पौधा पहले हम लगाया था रेडी, इसमें फुल फॉल आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका जो एज है, उम्र आज अभी लगभग 5 से 6 महीने हो चुका है। तो इसमें देखिए आप घर से कि बिल्कुल इसमें एक एक डाली में बहुत सारा फूल पकड़ लिया है और साथ साथ फूल फॉल भी आ गया है। तो ये फॉल और भी, और 15 से 20 दिन के अंदर कलर आना शुरू हो जाएगा। और इसका जो डाली में आप फूल देख के थोड़ा आइडिया आपको आ रहा है शायद कि इसमें कितना फ्रूट पकड़ सकते हैं। अभी तो इसी टाइम 20 अक्टूबर है, अभी इतना पकड़ लिया है, फिर भी नवंबर भर के, पूरा महीने भर के फूल पकड़ते रह जाएगा। तो आप हमेशा ही और एक महीने बाद, और एक महीने बाद ये जो फॉल है अभी, ये फॉल आप तोड़ पाएंगे। और साथ साथ आपका ये फॉल तोड़ने के बाद नया फूल फॉल आते रह जाएगा। ऐसे करते करते हमेशा ही मार्च महीने तक आप फ्रूट तोड़ पाएंगे। तो बिल्कुल क्या होगा, ये पौधे में हमेशा ही एक एक गुच्छे में पकड़ते रह जाएगा ये एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर का फॉल। तो हमेशा आप लोग ये देखिए, जो ये पौधा लगाने के जो तरीका है, पहले वीडियो में हम बताया था, तो अभी जो बताने वाला हूँ, जब भी फूल फॉल पकड़ लेगा, सही ध्यान रखे इसका पॉइजन वगैरह, कीड़ा के लगने के बजाय जो पॉइजन डालना है, फर्टिलाइज़र जाके सही पूछताछ करके, इस डिस्कस करके आपको सही फर्टिलाइज़र डालना है। तो कीड़ा लग गया है कि नहीं लगा है, वो आपको ध्यान से देखना चाहिए, और पत्ता के नीचे में ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। और कभी कभी फूल झड़ जाते हैं, ये आपको कोई बीमारी के बजाय हो सकते हैं। तो आप लोग हमेशा ही ये जो अभी जो वीडियो को, जो सिचुएशन में हम आपको दिखा रहा हूँ, इसमें फूल फॉल पकड़ लिया है, इस टाइम सबसे ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फल झड़ जाएगा, फल टूट जाएगा, पौधे से निकल जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये टाइम में आप ज़रूर अच्छा ध्यान कीजिएगा, और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ज़रूर कोई सलूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम ज़रूर मदद करेंगे। और हमारा ये नर्सरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर हमेशा ही लाइक कीजिए, तो हम लोग हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे।